होला उठा रहे हो, हैवी उठा रहे हो, होला उठाओ, सुपर सेट करो, पार्टी करो, शक योर बॉडी इनटू ग्रोइंग। जब तक मटेरियल ना मिले, कोई दीवार नहीं बनेगी, कोई कुछ नहीं होगा, जब तक एट सिमट बजरी सरिया ये चीज़ें जब बराबर नहीं, तब अगर कोठी बिल्डिंग है बॉडी भी ऐसी तरह है, जो भी काम करना, पहले देखना कौन से मटेरियल चाहिए इस चीज़ को बनाने और तैयार करने के लिए, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू नीड टू कंसीडर। उसके साथ भी ट्रेनिंग होती है। ओके, वाजिद भी व्यूअर्स को ये बताएं कि अक्सर एथलीट्स चाहते हैं कि हमारा आर्म साइज़ बड़ा हो, तो वो अपने बाजू का साइज़ बड़ा करने के लिए क्या चीज़ें खाएँ? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू क्यूजी फिटनेस। अच्छे व्यूअर्स, आज हमारे साथ वाजिद भाई मौजूद हैं। तो सबसे पहले वाजिद भाई ये बताएं कि आपका आर्म साइज़ कितना है? माशाल्लाह बहुत बड़ा आर्म साइज़ लग रहा है आपका। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी मेहनत की, 33 साल लगे रही था पूजने दिया, तकरीबन 21 इंच आया मेरे बाजू, ऑफ सीज़न 21 कंडीशन में 20 पर ही आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आर सर वाजिद भाई व्यूअर्स को ये बताइए कि आपकी एज कितनी है माशाल्लाह? और साल इस गेम लगाने 50 इयर्स में भी आपने माशाल्लाह अपने आप को फिट एंड हेल्दी रखा है, तो ये फिट एंड हेल्दी रखने की टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ व्यूअर्स को भी शेयर करें। बस यही है, तो भाई मैं तो अपनी खुद जी सपोर्ट है, थोड़ी हमारी नज़रियात दीनी तरफ से रहे हैं, और इस तरह है कि भाई ये भी चीज़ में ऐसे अल्लाह ताला देता है, जिसको संभाल रखना इसमें भी हिसाब किताब उसी है। तो सुनती है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फिजिकल एक्टिविटी को कुछ करना, उनके दौर में कुश्ती थी, नेज़ाबाजी सी, तीर मकान सी, कोहरा दबाना वगैरह कुश्ती, और सारे दौर में मॉडर्न स्पोर्ट्स आएगी, बॉक्सिंग आएगी, रेसलिंग आएगी, मार्शल आर्ट्स आएगी है। तो उसका मतलब बेसिकली हिकमत बात में आती है, जब बंदा अपना ख्याल रख सकना, अपनी फैमिली और मुल्क का ख्याल रख सकना। सो एवरी बॉडी इंडिविजुअली, जो भी आपकी स्पोर्ट है, खाम खा बॉडी बिल्डिंग हुआ एथलीट्स में, यू कैन बी बॉक्सिंग, यू कैन डू पावर लिफ्टिंग, जो भी आपको इस्तेमाल कर, बंदा आपको इस्तेमाल करो और ना ही आस पास उन लोगों को इस्तेमाल करो, जब पूरी कौम इस तरह हो जाए ना, इंशाल्लाह यू नो देन वी हैव नो डिफिकल्टी इन एनी थिंग इन एवरी थिंग। ओके, वाजिद भी व्यूअर्स को ये बताएं कि अक्सर एथलीट्स चाहते हैं कि हमारा आर्म साइज़ बड़ा हो, तो वो अपने बाजू का साइज़ बड़ा करने के लिए क्या चीज़ें खाएं? खाने भी होना तो भाई ट्रेनिंग दोनों चीज़ों बराबर चाहिए है ना, वो असा कहते ना एक गल है, लड़के जिम में जाते हैं, पाँच चार घंटे गेम लगाते हैं, आपस में बॉस करते हैं कि भाई हम इतनी गेम लगाए ये कितनी, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे। असली सब तो बड़ा मसला है, लड़के गेम लगाते हैं ज़रूर, अपनी आइडल जो जिसको फॉलो करते हैं उसकी गेम की कॉपी भी करते हैं, लेकिन मिसाल ऐसी होनी चाहिए कि भाई लोग बंदा को मकान चला रहे हैं ना, बंगला बना रहे हैं, 3-4 मंजिल बना रहे हैं, लेकिन वो मिस्त्री जार ही पहुँच ले अंदर, वो हाथों पार बैठे से जब तक मटेरियल ना मिले, कोई दीवार नहीं बनेगी, कोई कुछ नहीं होगा, जब तक एट सिमट बजरी सरिया ये चीज़ें जो बराबर नहीं, तब अगर कोठी बिल्डिंग है बॉडी भी ऐसी तरह है, जो भी काम करना, पहले देखना कौन से मटेरियल चाहिए इस चीज़ को बनाने और तैयार करने के लिए, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू नीड टू कंसीडर। उसके साथ भी ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग भी ऐसी करनी चाहिए कि भाई जिसम को शॉक करना, कई बंदे आइडल हो जाए, एक ही रूटीन कर दें डे इन डे आउट, 3-4 साल लगातार, शुरुआत में रिजल्ट सही मिला, बाद में नहीं हो रहे, उतने बॉडी स्टैटिक, यू नीड टू चेंज अराउंड, एक्सपेरिमेंट, नया तरीका सीखो, नए सिस्टम, होला उठा रहे हो, हैवी उठा रहे हो, होला उठाओ, सुपर सेट करो, पार्टी करो, शक योर बॉडी इनटू ग्रोइंग, है ना, दिस इज़ वे फॉरवर्ड। वाजिद भी आप व्यूअर्स को ये बताएं कि अक्सर ना जो भी बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज करते हैं उनका कुछ गोल नहीं होता, तो आप क्या कहते हैं कि एक अच्छी फिजिक बनाने के लिए वो क्या गोल एक रखें? इस तरह नहीं हो सकना, यू कैन नॉट डू एनीथिंग ब्लाइंडली, है ना, आखे कि भाई मैं इधरों जा रहा हूँ बाहर, पता नहीं जो हो ना मलंग मैं बाहर जाऊँ, तो लादा बात है, बल्कि इफ़ यू वांट टू रीच अ डेस्टिनेशन, वांट टू कंप्लीट समथिंग, यू नीड अ गोल, फॉर दैट सेट गोल यू विल नॉट अचीव एनीथिंग। पॉइंट ये हो, एजुकेशन में हुआ है, फाइनेंशियल गेन हुआ है, कंस्ट्रक्शन में हुआ है, बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स में, यू ऑलवेज नीड टू सेट गोल। तो कंपटीशन मुकाबले एक होता ना कि भाई इट ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ अस, बट डू आर यू सेट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी सेट गोल, क्या फलानी तारीख तक मैं तैयारी करनी, इस मुकाबले की तैयारी करनी, जॉगिंग में वेट बढ़ाना, कटिंग करनी है, प्रेपरेशन करनी है, एंड दैट्स हाउ यू गेट रेडी, विदाउट गोल यू आर ब्लाइंड। वाजिद भाई जाते जाते व्यूअर्स को क्या पैगाम देंगे, क्या मैसेज देंगे व्यूअर्स को जाते जाते? बस एक ही है, डोंट बी लेजी, पाकिस्तान इज नॉट बी लेजी कॉम, एंड आई थिंक वी ट्राइंग टू चेंज द व्यू। अल्हम्दुलिल्लाह इफ यू देखें कॉमनवेल्थ में सर अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, चाहे वो जैवलिंग में हुआ है, वेट लिफ्टिंग में हुआ है, बॉक्सिंग में हुआ, जो भी हो रहा है, वी गेटिंग गुड रिजल्ट, बिकॉज दिस शोज दैट वी डू हैव टैलेंट इन दिस कंट्री। पर टैलेंट तब बनेगा जब आप यू नो खाटा से उठ के, बिस्तरे से उठ के बाहर जाओगे, कोई एक्टिविटी को, देन यू सी योर टैलेंट पोजीशन। सो एवरीबॉडी जो भी अपना फन हुआ, पहुंचे बॉडी बिल्डिंग हुआ, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, व्हाट इट इज, परस्यू करो, रीच ए फुल पोटेंशियल, फुल पोटेंशियल बारे में पूछोगे, अल्लाह ताला ने एक चीज़ दी, व्हाट डू यू डू। थैंक यू, अपने ख्याल रखिएगा, वेयर स्टे फिट स्टे हेल्दी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।